हाँ ले लो कह रहे थे, क्या हो गया? हाँ, के बाद है दारू की इतनी दूर है वो देख। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हो जो आपको एकदम जेन्युइन चाहिए, जो कि आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर आपको लगा के देता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, पेट्रोल पैसा कुछ नहीं खर्च करना, देन यू कैन रेफर टू गो मैकेनिक मोबाइल एप्लीकेशन। अब इनके बारे में खास बात क्या है, गो मैकेनिक को ऑलरेडी सब जानते हैं मार्केट में, देश में लगभग ये 500 वर्कशॉप एस्टैब्लिश कर चुके हैं और 20 लाख गाड़ियों की सर्विस कर चुके हैं और अब उतरा है स्पेयर पार्ट सेगमेंट में, जो कि ये डील करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन। अब इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज हाईली कस्टमाइज्ड, क्योंकि इसमें ऑल्टो से लेके ऑडी तक, मारुति से लेके मर्सिडीज तक, हर गाड़ी के, हर मॉडल के, हर वेरिएंट के जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलते हैं, जो कि ओईएम और ओईएस से मिलते हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर। चाहे आप एक नॉर्मल कस्टमर हो मेरी तरह जिसको अपनी एक गाड़ी के लिए स्पेयर पार्ट चाहिए, चाहे आप एक वेंडर हो जो आगे सप्लाई करते हो और आपको, यानी कोई भी, अगर आप छोटे से लेके बड़ा पार्ट अगर ऑर्डर करना चाहते हो एकदम जेन्युइन, गो मैकेनिक से आप खरीद सकते हो देश के चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हो, और आपको एकदम ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है, पेमेंट का जो भी जितने मेथड होते हैं, कैश हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई, जितने भी मेथड हैं सारे इनके पास अवेलेबल हैं। अब खास बात क्या है, जैसे मैंने बताया हर गाड़ी का, हर वेरिएंट का, चाहे आपकी कितनी पुरानी गाड़ी हो, सारे पार्ट मिलते हैं इनके पास, 60 लाख जो है प्रोडक्ट का इनके पास, इनका इनके पास डेटाबेस है। अब इनको एक चीज और अलग क्या बनाती है, इनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है जिसमें अगर आपकी कार्ट वैल्यू, यानी आप एक महीने में अगर भाई 1.25 लाख के लगभग अगर ऑर्डर प्लेस करते हो, इतनी अमाउंट है टोटल, तो इनका कुछ जो है बोनस चलता है, रिवॉर्ड चलता है, डिस्काउंट, ये जो इनके फायदे हैं ये आप उठा सकते हो। तो वेट क्यों करना किसी बात का, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लेना, और जो भी अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। आज देखो मैं छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ, बस ड्राइविंग इन ट्रैफिक विद रेन, काफी सारी चीजें एक साथ हैं, फुट मूवमेंट भी दिखेगी और बाकी सारी चीजें भी, इसे लगा दिया ऑटोमेटिक पे। अब चूंकि फोग है तो फोग से रिलेटेड मेरा वीडियो आया था कि फोग को कैसे हटाना है सर्दियों में, मतलब या भाई रेनी सीजन में, तो मेरे में तो डायरेक्ट है, मैं हटा देता हूँ, मतलब मुझे फैन की स्पीड वगैरह कुछ ऐसा चेक नहीं करना, चेंज नहीं करना, ये अपने आप दूर कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करवाना है, मैंने इसे थोड़ा तेज चला दिया, हो गया ना। चलो तो थोड़ा मैं ट्रैफिक का बता देता हूँ, ट्रैफिक के मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं बट उनमें फुट मूवमेंट नहीं थी और इसमें है। बारिश में देखो मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बारिश में कैसे चलाना है, कहाँ पानी भरा हुआ हो तो कैसे निकालनी है, कितनी तेज़ निकालनी है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, 4 से 5 वीडियोज़ हैं, अपने रेडिएटर को कैसे बचाना है, बाकी गाड़ी के बाकी पार्ट्स को कैसे बचाना है, तो वो सब के लिंक 1 by 1 मिलेंगे, आई बटन में सारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, मैं बस ट्रैफिक प्लस रेन प्लस फुट मूवमेंट सारी चीज़ें क्लब कर रहा हूँ इसी वीडियो में। काफ़ी बार दिक्कत होती है यार, बारिश में मिरर में नहीं दिखाई देता, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेम्पर्ड कुछ आते होंगे, मुझे नहीं पता, आते मैंने देखे हैं एक आध वीडियोस देखे हैं बट मुझे ये नहीं पता वो कितने ड्यूरेबल हैं या भाई कितना इफेक्टिव मैं कहूँ वो हैं या नहीं है, दैट आई कांट से। तो मैं ज़्यादा इसमें बताऊँगा नहीं, ऐसे चलानी वैसे चलानी, ऑलरेडी लोग देख चुके हैं वो वीडियो, बस ऐसे थोड़ा ट्रैफिक का मैं देखूँगा। वैसे बारिश हो रही है, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं मुझे क्योंकि लोग निकलेंगे नहीं, बट स्टिल एक राउंड मार लेता हूँ। सबसे बड़ा खतरा जो बारिश में है मुझे लगता है वो यही होता है कि गड्ढा कहाँ है वो नहीं पता लगेगा, नगर पालिका ने भरवाए कि नहीं भरवाए पता नहीं, लेकिन अगर रोड मतलब अपने जान पहचान के हैं तो आसानी होती है, नहीं है तो अब जैसे मुझे यहाँ नहीं पता पानी भरा है, वैसे मुझे पता है यहाँ पे गड्ढे हैं, वैसे अगर कोई नया ड्राइवर आएगा तो उसे नहीं पता लगेगा, तो जितना हो सके धीरे चलाओ। इसकी सेंसिटिविटी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ ऑटोमेटिक की, कम कर दी, ज़्यादा तेज़ कर दी, अब ज़्यादा तेज़ चल रहा, अब मंदी कर दी मंदी हो नहीं रही, अब हाँ अब कम है, अब तेज़ है।
अरे ये देख चढ़ा दूं? हाँ बाबा। हाँ पापा को ना के बाद है दारू की इतनी दूर है पप्पा देखे चाल लड़ाई होते बताऊ तेने भाई गैंगस्टर है ये वो देखिए क्या लोग हमारे बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है, आगे तो आपने वाइपर मार लिया, पीछे है तो पीछे मार दिया, बट ये देखो साइड में, अब अगर मुझे मिरर में देखना है, रिवर्स करना है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ साइड की। चलो थोड़ी बहुत अगर दूर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है। उसके वाइपर देखो कितने तेज चल रहे हैं जबकि जरूरत भी नहीं है। चल 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 भाई चल। कर ले भाई कर ले साइड कर ले, ये थोड़ी कम कर यार, ये इससे ज्यादा तेज हो रही है। अरे नहीं रुक जा स्पीड इस साइड से, हाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। तब से इसका मैं एक बार बंद करूँ डिफोगर, देखता हूँ दोबारा जमेगी कि नहीं, एसी चला लूँ एक बार। अब बस यही है बारिश में दिक्कत, विजिबिलिटी कम होती है, दिखाई नहीं देता आगे का भी। अगर बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज है, कई बार होता है ना वाइपर फुल स्पीड पे चला लो बट फिर भी नहीं दिखता। या लोकेशन हाँ लेके जाऊँ चल ना रहने, वाह वेन्यू की लोकेशन आ गई है। यहाँ जैसे ऐसी जगह पे कभी मतलब तेज मत चलाना खींच के, क्योंकि आसपास दुकान है पानी भरा हुआ। जैसे एक बार मेरे मन में आ गई थी अभी कि खींच के दूं, लेकिन फिर वो पानी भरा हुआ दिख गया साइड में, पानी उड़े लेगा वो दुकानों में जाएगा, कोई और है पैदल है बाइक वाला तो वो गंदा करेगा उनको, तो आराम से ही। नहीं निकलेगी रुको, रिवर्स ही लेनी पड़ेगी, हम नहीं ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर रिवर्स करनी पड़ सकती है तो कर लो, सामने वाला कर ले तो सामने वाले करवा दो, खुद की हो रही है तो खुद कर लो अगर हो रही है तो। बाकी बाइक वाले ज़्यादा जाम लगवा देते हैं क्योंकि कहीं भी खड़ी कर दी मान लो, यहाँ मुश्किल है भाई, स्कूटी हटानी पड़े, अगर स्कूटी हटे ना तो बात बने। पीछे पे गाड़ियां लगी वरना मैं ले तो लूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। स्कूटी हटा दो ना एक बार, हट रही है तो हटा दे स्कूटी को, वो हटते कर दूंगा मैं। रुक जाओ गाड़ी काफ़ी हट गई पीछे, हाँ ये ठीक है। अब ठीक है एनएफ है, वो भी आ जाने तुम, आ जाने दो। तो थोड़ा सा पेशेंस, अगर मेरी तरह इम्पेशेंट हो तो भी थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि जल्दबाजी में गाड़ी लग जाएगी वैसे नहीं लगेगी। और जैसे इस सिचुएशन में गाड़ी रोकनी पड़े तो तब तक गियर में मत रखना, क्लच दबा के छोड़ के न्यूट्रल हैंड ब्रेक कर लेना या वैसे पैडल ब्रेक दबा देना, मिरर वगैरह फोल्ड कर लेना अगर कोई लग रहा है कि कर देगा तो फिर वापस खोल लेना, क्योंकि वो गाड़ी पीछे से लग निकल रही है तो पता भी लगना चाहिए ना। ना उसको नहीं भैया, हाँ ले लो कह रहे थे, क्या हो गया टायर साइलेंसर आ गया था, किस चीज का लगा टायर के? हाँ
तेरा थोड़ी बिगड़ेगा भाई, साइलेंसर ही तो लगा है। देखो देखूंगा, रुक कर देखा। मिरर फोल्ड कर दे ना, मिरर की दिक्कत वो है इस वो ना, रोक के छोड़ेंगे। ये दिक्कत है ट्रैफिक में। अब वो बाइक वाला जबरदस्ती लेके आया आगे और फिर आ जाने दे, पीछे नहीं रुक सकता अपनी साइड में। तो चलो बस वीडियो में बस इतना ही, बाकी ऐसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बारिश की जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, बारिश भी रुक गई है, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। और जितने वीडियोस का मैंने बोला सबके लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। जो दो मेन है वो यहीं मिल जाएंगे एंड स्क्रीन में, दो वीडियोस या तीन अगर पॉसिबल हुआ तो वो जाके एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच।